Hey everyone, welcome to Shoms IAS. I'm Shivangi Sharma and here we are with our third chapter of class 11th history, which is nomadic empires. So I'm pretty sure ki chapter ka naam dekh ke na aapko bada hi matlab andar se aisa laga ki ye kya hai, matlab totally understandable nahi hai bilkul bhi. Kyun? Because dekho, nomadic and empire ये दोनों ही बहुत ही contradictory terms है, मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी support नहीं करती हैं. Because nomads क्या होते हैं, nomads हम लोगों ने पढ़ा है, nomads होते हैं बंजारे जो एक जगह पर नहीं होते, right? जो एक जगह से दूसरी जगह पर travel करके रहते हैं, move करते रहते हैं. और empire जब भी आप सोचते हो तो empire से क्या आता है, एक kingdom से. kingdom थोड़ी ना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, kingdom तो एक जगह stable होता है, right? सो ये चीज़ क्या है, नोमैडिक एम्पायर, ये दो चीज़ जो इतनी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कि आपस में मेल खाना ही नहीं मान रही, फिर ये दोनों आपस में क्यों है चैप्टर में, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. एंड ट्रस्ट मी, द चैप्टर इज गोना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग. क्योंकि चैप्टर देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा है, बट चैप्टर इतना अच्छा और इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप एक नया एम्पायर, एक नया किंगडम पढ़ने वाले हो इन दिस चैप्टर. सो चलो लेट्स जंप टू द चैप्टर. सो हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नोमैड्स वांडरर्स होते हैं, जो घूमते रहते हैं एक जगह पे, जो एक जगह पे नहीं होते, नहीं रहते. और एम्पायर एक मटेरियल लोकेशन होती है, राइट, जो कि एक जगह पे स्टेबल होगी, एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मंगोल्स के बारे में. सो मंगोल्स जो कि सेंट्रल एशिया में एस्टेब्लिश हुआ था and the leadership of Genghis Khan, right? So we have अब बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप, कि चैप्टर कुछ और ही था, अभी आप कहीं और ही पहुँच गए. सो देखो देखो देखो, देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज मंगोल्स कौन होते हैं. मंगोल्स बेसिकली जो लोग थे वो नोमैड ही थे, ठीक है, वो नोमैड्स ही होते थे. बट जब चंगेज खान आए तब उन्होंने उनको एस्टेब्लिश कर दिया एक जगह पर, उनको जो है उसको मतलब स्थापित उन लोगों को कर दिया गया, ठीक है. देखो ये चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कैसे चंगेज़ खान के अंदर मंगोल्स ने डिफरेंट ट्रेडिशनल और सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स बनाए, ठीक है, और कैसे उनकी गवर्नेंस थी. देखो चंगेज़ खान को ना बहुत ही बड़ा किंग माना जाता है, बहुत ही बड़ा एम्परर माना जाता है, बिकॉज उन्होंने एक नहीं, उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी थी जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम सेइंग इट अगेन, ठीक है. सो चलो अब हम देख ले रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज़, जैसे भी हमने अभी ये बुक स्टडी कर रहे हैं हम, सो हमने लास्ट के दो चैप्टर स्टडी कर लिए हैं अभी तक. सो हमें इतना तो पता चल गया कि हर एक इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सोर्स पढ़ लेते हैं. देखो जो नोमैड्स होते हैं ना, जो भी नोमैडिक लोग होते हैं, उन्होंने ना कभी अपने बारे में ऐसे लिखा नहीं, या फिर कुछ उन्होंने ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा जिसकी वजह से हम बता सकें कि हाँ क्या चीज़ें थी. सो उनके बारे में जो भी नॉलेज हमें है वो कुछ जो क्रॉनिकल्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, ये जो ट्रैवल करते रहते थे, और जो सिटी बेस्ड लिटरेटर्स थे, यानी कि जो सिटी में जो लिटरेटर्स होते थे, उन्होंने जो जो लिखा, जो उन्हें सुनाई दिया, वो बेसिकली उन्होंने लिखा, ठीक है. सो ये कुछ इस तरीके से है. सपोज़ कि जैसे आप, जैसे स्कूल में कोई नया टीचर आता है आपके स्कूल में, और जब तक वो आपकी क्लास नहीं लेते तो आप दूसरे बच्चों से पूछते हो, या दूसरे क्लास के बच्चों से आपको पता चलता है कि हाँ ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वो टीचर उन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है. सपोज़ वो बच्चे बहुत ही शरारती है, वो टीचर उनको थोड़ा सा डांट देता है, तो वो बच्चे आपको ऐसे बताएंगे कि वो टीचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो टीचर अच्छे नहीं है, राइट. सो वैसे ही यहाँ पे होता था, ये जो रिपोर्ट्स होती थी ना नॉमेटिक लाइफ की, ये ना बायस्ड होती थी, मतलब ये उन चीज़ों पर बेस्ड होती थी कि उन जो नोमैड्स है वो इन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है. सो मंगोल्स का जो सक्सेस है ना, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है. सो काफ़ी लोग थे जिन्होंने आके इनके बारे में स्टडी करना समझा कि हाँ इनके बारे में स्टडी करना तो बनता है यार, बिकॉज इतना ज़्यादा अचीवमेंट था, इतनी जो है उनकी सक्सेस, इतनी ज़्यादा मतलब इतनी शान थी उनकी सक्सेस में कि लोगों ने बोला कि हाँ चलो पढ़ते हैं. सो उनमें से काफ़ी लोग थे, जैसे वो बुद्धिस्ट हो, कन्फ्यूशियस हो, जो क्रिश्चियन है वो हो, टर्किश हो, या मुस्लिम्स हो, ठीक है. सो परहैप्स मंगोल्स की जो स्टडी है ना, वो काफ़ी वैल्यूबल रिसर्च रही, जो कि सबसे वैल्यूबल करी थी वो थे एक रशियन स्कॉलर्स,
ठीक है, जिन्होंने 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पे वो आए, सारेस्ट रिजीम के टाइम पे, और उन्होंने बहुत कुछ देखा। ठीक है, इन सब कुछ के अलावा मंगोल लैंग्वेजेस में भी, मतलब जो मंगोल लैंग्वेज है उनके बारे में भी जो है एक्सीलेंट स्टडी, एक्सीलेंट रिसर्च करी गई। उन्हीं में से एक स्कॉलर्स है जिनका नाम है बोरिस येकोवलेविच व्लादिमीर रोस्तोव। ठीक है, ये नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये नाम इंडियन नहीं है, मतलब कुछ नाम्स होते हैं, राइट? सो यस, दैट इज़ वाई द नेम इज़ लाइक क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो हम इनको बोरिस बोल के टाल लेते हैं। ठीक है, जो बोरिस है उन्होंने स्टडी करी थी। ठीक है, जो मंगोल एम्पायर है ना, उनमें इतना अच्छा स्पैन आया इतने कम टाइम में, और कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आके इनके बारे में बात करी, जैसे जो चाइनीज़ है, मंगोलियंस है, पर्शियंस है, अरेबिक्स है, इनके बाद बाद में इटालियन जैसे लैंग्वेजेस, इटालियन, लेटिन, फ्रेंच, रशियन, इन लैंग्वेजेस में भी जो है इनके बारे में स्टडी की गई। ठीक है, उनमें से एक जो स्कॉलर है, ठीक है, इगोर दे रचवेल्स, इन्होंने द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी, जिन्होंने इन्होंने बताया सब कुछ। ठीक है, वैसे ही थे गेहार्ड डोफर, जिन्होंने मंगोल और टर्किश टर्मिनोलॉजी के ऊपर स्टडी करी पर्शियन लैंग्वेजेस में, और उन्होंने भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो है वो इन नोमेड्स के बारे में उन्होंने बाहर निकाली थी। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी गोना स्टडी अबाउट चंगेज खान एंड मंगोल वर्ल्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, जो अर्ली डिकेड्स था 13th सेंचुरी का, ठीक है, उस टाइम पे जो यूरो एशियन कॉन्टिनेंट्स थे ना, उनको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, थोड़े थोड़े थ्रेट्स, थोड़े थोड़ा डेंजर उनको नज़र आ रहा था, बिकॉज ऑफ सेंट्रल एशिया में एक पावर ने, मतलब सेंट्रल एशिया की जो स्टेपीज है वहाँ पे एक पावर ने जो है एक नई पॉलिटिकल पावर का अराइवल हो चुका है। यहाँ पे जो यूरो एशियन है, इसका इसका कॉन्टेस्ट है, यूरो एशियन मतलब यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया। ठीक है, जैसे हम इंडो वेस्टर्न वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें इंडिया इंडो वेस्टर्न होता है, राइट? मतलब इंडिया और वेस्टर्न, वैसे वैसे। ठीक है, ये जो पावर है ये है चंगेज़ खान, बिकॉज चंगेज़ खान ने जो भी मंगोल के मंगोल जो पीपल है उनको यूनाइट कर दिया है। ठीक है, और जो चंगेज़ खान है उनका पॉलिटिकल विजन इतना छोटा सा नहीं है कि इतना सा जगह मैंने घेर लिया, सो आई एम हैप्पी नेट। उनका जो मतलब उनका जो उन्होंने जो सोचा था वो पूरी दुनिया में राज करने का उन्होंने सोचा था, पूरे यूनिवर्स पर उन्होंने राज करने का सोचा था। ठीक है, और ऐसा बोलते थे सेंट्रल एशिया में कि ही हैड अ मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड, मतलब उनकी ना डेस्टिनी में ये लिखा है, भगवान ने उनको भेजा इसलिए ताकि वो दुनिया में राज कर सके। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि उनकी डेस्टिनी में ये लिखा कि वो पूरी दुनिया में राज करे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए कि ये आया ही इस चीज़ के लिए है, वो आए ही इस चीज़ के लिए थे, राइट? वैसे ही उस कॉन्टेस्ट में इसको लिया गया था कि जो चंगेज खान है वो इतने ग्रेट किंग थे, इतने ग्रेट एम्परर थे कि लोग यही बोलने लग गए थे कि वो, मतलब उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो पूरी दुनिया में जो है वो राज कर सके। ठीक है, भगवान ने उनको भेजा ही इसीलिए, जिसके पीछे का रीज़न है कि वो पूरी दुनिया को जो है वो मतलब अपनी उंगलियों पे नचा सके। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि ये जो स्पिरिट है ना, ये सिर्फ चंगेज़ खान के अंडर ही नहीं थी, जबकि उनके बाद जो उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंडसन मॉन्क के, ठीक है, उन्होंने ना एक फ्रेंच रूलर लुई 9 को, अब किस किस को याद आ रहा है लुई 16, जिनको हमने पढ़ा था 9th क्लास के फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो 11th की हिस्ट्री है ना, 11th की हिस्ट्री 9th क्लास की हिस्ट्री से काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। इधर ना आपका 9th का जो रिविजन भी होता जा रहा है साथ साथ में, और जो चीज़ मैं बताऊंगी उससे आपको 9th क्लास का भी थोड़ा थोड़ा याद आएगा, सो वी यू कैन रिलेट टू इट, राइट? ठीक है, जो लुईस 9 थे उनको ना उन्होंने ऐसा धमकी दिया, एक वार्न किया कि देखो, जैसे अंबर में यानी कि आसमान में एक ही देवता होता, एक ही भगवान होता है, वैसे ही अर्थ का भी एक ही लॉर्ड है, जो कि है चंगेज खां, द सन ऑफ हेवन, यानी कि वो भगवान के बेटे हैं और
जैसे आसमान में आकाश का एक ही भगवान होता है, एक ही स्वर्ग होता है, उसी तरीके से ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, इनका भी एक ही लॉर्ड है, डैट इज चंगे खान। ठीक है। सो अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये चीज़ ना ये ऐसे ही नहीं बोल देते थे हवा हवा में कि ठीक है तुम, मैंने ये बोल दिया ये बोल दिया, ये लोग सच में ऐसे हुआ करते थे। ठीक है, मतलब इनमें से ये ना इतने बड़े बड़े जो है राजा महाराजा थे, ये कोई ऐसे नहीं थे कि हवा में बोल दिया कि हाँ हम ऐसे हम वैसे, ये जो बोलते थे ये वो करके भी दिखाया करते थे। ठीक है, मतलब दे वर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स। ठीक है, वैसे ही 1236 से 41 का जो कैंपेन था वो बाटू का कैंपेन था, जो कि चंगेज खान के एक ग्रैंडसन थे। ठीक है, उन्होंने मॉस्को तक का रशिया को बर्बाद कर दिया था और अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद पोलैंड, हंगरी, वीना, ये सब कुछ जो उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। सो आप देखो कितने, मतलब रशिया की कैपिटल मॉस्को तक उन्होंने जो है चीज़ें अपने अंडर कर ली थी। ठीक है, सो 13th सेंचुरी में ऐसा लग रहा था कि जो इटर्नल स्काई है, यानी कि जो भगवान है, जो डेस्टिनी है, जो मतलब जो वो बोलते हैं ना लक बोल सकते हो, बट एक वो होता है ना एक जो सुप्रीम सपोर्ट होता है, जो हम बोलते हैं कि आज तो भगवान इसके साथ है, जो आज जो मतलब जो देवता हैं वो भी इनकी तरफ है, वैसे ही बोला जाता था, वैसे ही माना जाता था कि जो इटर्नल स्काई है, जो हेवन है, जो भगवान है, वो भी जो है वो मंगोल्स की साइड पे ही रहते हैं, वो मंगोल्स के साथ ही देते हैं, ऐसा जो है लोग बोलने लग गए थे। ठीक है, चाइना का काफ़ी पार्ट, जैसे मिडल ईस्ट, चाइना का काफ़ी पार्ट, मिडल ईस्ट, यूरोप, इन सभी जगहों ने जो है चंगेज खान का वो देखा, उनको ना भगवान का मतलब ब्रेथ ऑफ गॉड माना जाता था, उनको ये माना जाता था कि वो ना भगवान ही है, कि वो ना इस दुनिया में आई इसलिए कि वो राज कर सके, और भगवान ने उनको बनाया इसलिए, और भगवान मतलब उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। सो लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब चंगेज खान को ही उन्होंने जो है भगवान से उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो पहली मतलब जजमेंट होती थी वो यही होती थी कि जो भगवान है वो इन्हीं की तरफ है और भगवान ने इनको भेजा ही इसीलिए है। ठीक है, देखो जो मंगोल्स हैं ना, आप लोगों को अलेक्जेंडर के बारे में तो पता है, वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर। सो अलेक्जेंडर ने जो कि पूरी दुनिया को जिन्होंने अपने अंडर कर लिया था, मंगोल्स ने उनके भी मतलब उनसे भी ज़्यादा अचीवमेंट करा, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब अलेक्जेंडर से भी ज़्यादा वो आगे वो बढ़ गए थे। ठीक है, सो देखो बेसिकली ये जो जो रीजन था मंगोल का, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी था। ठीक है, सो जो चंगेज खान थे ना, वो सभी से ऐसे मतलब डाइवर्स, उससे कैसे उन्होंने रिलेट करा, कैसे उन्होंने मतलब जो प्लोरालिटी है उसको ख़त्म करके यूनिटी लोगों के बीच में लाई, कैसे उन्होंने मंगोल के पॉलिटिकल और सोशल पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उनको ये बनाया। ठीक है, सो मंगोल कौन थे चंगेज खान के अंदर, ये सब कुछ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, जो मंगोल्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थे, जस्ट लाइक आर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मंगोल थे ना उन्होंने इतना ज़्यादा एरिया अपने अंडर करा हुआ था, यहाँ पे मैप था आई थिंक, हाँ यहाँ देखो। सो ये देखो ये जो भी आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो भी आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, ये सारा जो है ये मंगोल एम्पायर के अंडर का ही है। ठीक है, सो अब देखो मंगोल एम्पायर कहाँ से कहाँ तक मतलब फैला हुआ था। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है इंडिया, सो यहाँ पे देखो चाइना है, टिबेट है, यहाँ पे जो पाकिस्तान वगैरह है वो जो अभी बने हैं। ठीक है, सो इधर देखो इधर यूरोप है, यूरोप का भी कितना सारा पार्ट, मॉस्को, रशियन एम्पायर है यहाँ पर, यहाँ पे बगदाद है हमारे पास, वी है पर्शिया है राइट देयर, और यहाँ पे हमारे पास है मंगोलिया। ठीक है, सो अब देखो कितना बड़ा एरिया जो है वो किसके अंडर है, वो मंगोल एम्पायर के अंडर है। ठीक है, सो ये भी है कि इतनी बड़ी जगह को इन्होंने कैसे जो है वो संभाल के रखा था। ठीक है, सो वो सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। देखो मंगोल्स काफ़ी डाइवर्स थे बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलैरिटी एंड लार्ज प्लेस, बट इनके बीच में ना एक यूनिटी थी, एक देर वॉज अ सिमिलैरिटी, डैट वॉज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज सेम थी। जैसे ईस्ट में हम देखें तो जो तातर्स हैं, खितान हैं और मंजूस है, ये कहाँ है, ये ईस्ट की तरफ में, और अगर हम वेस्ट की तरफ में देखें तो वेस्ट की तरफ है हमारे पास टर्किक ट्राइब्स। ठीक है, मंगोल्स में काफ़ी पेस्टोलिस्ट थे, कुछ हंटर गैदरर्स भी थे। ठीक है,
सो जो पेस्टलिट्स थे वो घोड़ों को पालते थे, शीप्स को पालते थे, केटल गोट कैमल्स इन सबको जो ये पाला करते थे, ठीक है। सो जो नोमैड्स थे वो स्टेप्स में हुआ करते थे, सेंट्रल एशिया के स्टेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो वैसे ही तो ये ना इतना मजेस्टिक लैंडस्केप था जहाँ पे होराइजन है, रोलिंग प्लेन्स है, स्नो कैप्ड भी माउंटेन्स भी है और गोबी डेजर्ट भी है साउथ की तरफ में अगर हम देखें तो, वहीं हम कहीं देखें तो ओनोन और सलेंगा जैसी जो है रिवर्स भी बहती हैं, ठीक है। सो स्प्रिंग आता है तो स्नो मेल्ट होती, इतना प्यारा जगह था, मतलब हर हर एक डायरेक्शन में हम देखें तो हमें एक नई जो है वो एक नया एक बोल सकते हैं एक लश देखने को मिलता था, इतना सुंदर थी वो पूरी जगह जो मंगोलियन के अंडर थी, ठीक है। जो हंटर गैदर्स थे ना वो नॉर्थ की तरफ में ज़्यादा रहा करते थे, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे साइबेरियन फॉरेस्ट थे और उनको अपने जानवरों को मतलब चराना वगैरह होता था, सो फॉरेस्ट वॉज द बेस्ट प्लेस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, हमें ये सब कुछ पता है, दे आर द वेरी बेसिक स्टाफ, ठीक है। सो पेस्टलिस्ट हो गए और जो लोग हैं वो ना ट्रेड करते थे, फर्स वगैरह इनका बेचा करते थे समर मंथ्स पे, ठीक है। सो बट कभी कभी ना इतना हार्श चीज़ें होती थी जब विंटर्स आती थी और जब ड्राई समर्स आते थे, या तो इतनी खतरनाक विंटर आएगी और इतनी लंबी विंटर आएगी और समर्स आएंगे तो ऐसी समर आएगी कि सब कुछ सूख जाए। एग्रीकल्चर जो था ना वो पॉसिबल तो था बट ऑफकोर्स वो पेस्टल रीजन था, तो लोग एक जगह पर वहाँ पर नहीं रहते थे तो लोगों ने ना करा ही नहीं, वहाँ पर एग्रीकल्चर करा ही नहीं कभी भी जगह पे। अगर हम देखें जो हमने अभी तक पढ़े ट्राइब्स वगैरह, तो वहाँ पे ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब एग्रीकल्चर शुरू कर लेते हैं, बट इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा एंड तक एग्रीकल्चर को हाथ ही नहीं लगाया, वो फार्मिंग की तरफ तो उन्होंने गए ही नहीं वो, ठीक है। सो जो पेस्टरल थे, हंटिंग गैदरर्स थे, उन्होंने मतलब डेंस पॉपुलेशन में वो कभी सेटल नहीं हुए, जिसकी वजह से सिटीज़ भी है जो वो कभी बनी ही नहीं। जो मैंगोज थे वो टेंट के अंदर जो रहा करते थे, ठीक है। जो एथनिक और जो एग्रीकल्चर लैंग्वेजेस टाए हैं वो ना मंगोल के लोगों को एक सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के अंडर थी, इतने सारे मतलब वो लीनीजेस पे डिवाइडेड थे, जैसे जो रिच फैमिलियर है वो बड़े हुआ करते थे, उनके पास ज़्यादा जानवर हुआ करते थे, ठीक है। वैसे कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब ये लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते थे और लोकल पॉलिटिक्स पे जो इनका ज़्यादा ध्यान इनका मतलब दिया जाता था इनके ऊपर, ठीक है। जबकि जो पीरियडिक नेचुरल कैलामिटीज़ है, जैसे कभी कोल्ड विंटर आ जाए, कभी मतलब सूखा ही पड़ जाए, कभी ग्रासलैंड ही ना दिखे दूर दूर तक, ऐसी ऐसी चीज़ें भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। सो काफ़ी फैमिलीज थी जो कि काफ़ी ऑफेंसिव थे और डिफेंसिव थे, मतलब लोगों का ये मानना था कि स्पेशली जो रिचर लोग थे उनका मानना ये था कि जो चीज़ें हैं ना उनको बचा के रखो, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो उनका भी मेन मानना ये था कि चीज़ों को बचा के रखना इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो मंगोल्स थे ना ये वो ना ट्रेड करते थे किसके साथ, चाइना के साथ। देखो जब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है जगह पे, सो ऑफकोर्स आपको चीज़ें तो चाहिए चाहिए, खाना तो चाहिए चाहिए, सो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर ट्रेड। सो वो लोग भी ट्रेड के लिए ट्रेड की तरफ गए, सो ट्रेड उन्होंने किसके साथ करा, चाइना के साथ। सो यहाँ पे देखो जो दोनों पार्टीज थी ना वो म्यूचुअल बेनिफिशियल चाह रही थी आपस में, ठीक है। सो कमर्स टेंशन नहीं था, बहुत ईजिली हो रही था, बट कभी कभी ना ये अपना प्रॉफिट एनहेंस करने के लिए प्रेशर डालती थी, या फिर मंगोल्स हो गए वो चाइना को थ्रेट डालते थे कि मतलब धमकी देते थे, वैसे चाइना मंगोल्स को कभी कभी किया करते थे, ठीक है। सो जब बीच में चाइना को ऐसा डर लगा कि यार हम ना मतलब चाइना सबसे ज़्यादा जो है चाइना मतलब फेस कर रहा था ये सब कुछ, तो चाइना को काफ़ी तकलीफ हो रही थी इन चीज़ों से, चाइना लॉस पे जा रहा था। सो अब चाइना ने सोचा कि यार ये चीज़ तो सही नहीं हो रही, सो वी शुड गो फॉर डिफेंस, हमें ना पीछे पीछे अपने डिफेंस की भी तैयारी करके जो वो रखनी नहीं चाहिए। उस टाइम उन्होंने क्या शुरू करा डिफेंस के लिए, उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू करा, ठीक है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्ट्स क्या होता है, फोर्ट्स यानी कि किले, तो उन्होंने किले बनाना शुरू करा और उन्होंने जो कॉमन डिफेंसिव आर्टवर्क था वो बनाना शुरू करा, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में इसका कुछ इतना कुछ खास यूज़ हुआ नहीं। सो यहाँ पे देखो हमारे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आप ज़रा देखो, सही रुकी नहीं रही है,
यहाँ से हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जा रही है, इधर से आएगी, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, यहाँ से नीचे गई, यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी चली गई पता नहीं कहाँ। ठीक है, सो ये तो हो गया। सो अब हम चलते हैं चंगेज़ खान के बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। देखो चंगेज़ खान ना बहुत ही बुरा उनके साथ हुआ था बचपन से ही। ऐसा नहीं था कि वो काफ़ी अच्छी से ज़िंदगी उन्होंने जीती जी, जो उनकी ज़िंदगी थी ना डैट वॉज सैड, उन्होंने काफ़ी बुरी चीज़ें देखी। जैसे जो चंगेज़ खान है उनका जन्म हुआ था अराउंड 1162 में नियर ओरोन रिवर, ओरोन रिवर के पास जो कि आज मंगोलिया है। रुको मैं आपको ना मैप में ले चलती हूँ, सभी में भी मैप में हम देख सकते हैं सारी चीज़ें। सर देखो यहाँ पे है मंगोलिया, सो द रिवर इज सपोज टू बी राइट हेयर और राइट हेयर एनी वे। ठीक है, मतलब मंगोलिया के आसपास वो पैदा हुए थे, ये हमें जानने का ज़रूरी है। ठीक है, सो जब वो पैदा हुए थे ना उनका नाम चंगेज़ खान नहीं था, उनका नाम था तेमुजिन। ठीक है, तेमुजिन बेटे थे किनके, येसु जी के। सो येसु जी कौन है, येसु जी चंगेज़ खान के फादर जी, फादर का नाम था। ठीक है, सो वो ना कियात एक ग्रुप हुआ करता था, मतलब ये सारी ये जो भी क्लैन था इनकी फैमिलीज का ना एक ग्रुप हुआ करता था। सो उनके जो चीफटेन थे, ठीक है, उस ग्रुप को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कियात। सो ये जो कियात थे इनके लीडर थे चंगेज़ खान जी के फादर यानी कि येसु जी। ओके, सो एक क्या हो गया कि उनके फादर का मर्डर कर दिया गया काफ़ी कम एज में ही, और उनकी मदर जो थी वो अकेली उस टाइम पे रह गई। उस टाइम पे जिन उनकी मदर जिनका नाम था एलन एके, उन्होंने तेमुजिन को पाला। तेमुजिन के साथ साथ उनके जो ब्रदर्स थे और उनके कुछ स्टेप ब्रदर्स भी थे, उनको बहुत ही मुश्किल से जो एलोइन एके था, एलोइन एके थी मतलब जो उनकी मदर थी, तेमुजिन की मदर थी, उन्होंने उनको जो है पाल पोस के उस टाइम पे बड़ा करा। सो बीच में ऐसा भी टाइम आया कि तेमुजिन को जो है बंदी बना दिया गया था और उनको जो है मतलब नौकरों की तरह उनसे काम कराया गया था, उनको अनस्लेव किया गया था। ठीक है, छोटी उम्र में ही तेमुजिन की शादी कर दी गई और उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था बोट। ठीक है, सो क्या हुआ, बोट यानी कि उनकी वाइफ को किडनैप कर दिया गया एक बार, शी वॉज किडनैप। ठीक है, सो जब उनको किडनैप किया गया सो ऑफकोर्स अब उनको अपनी उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा बिकॉज हर वाइफ वॉज लाइक किडनैप। सो उन्होंने लड़ाई करी, उनको पता नहीं था बेसिकली, नो वन नोज। जब कोई किडनैप हो जाता है तो आपको नहीं पता होता ना कि किडनैप करके उसको कहाँ लेकर गए, वैसे ही तेमुजिन को भी नहीं पता था। सो उन्होंने काफ़ी जगहों पर लड़ाई करी और एंड में जाके उन्होंने जो उनको रिकवर करा। ठीक है, उस टाइम पे जो है जब उन्होंने सारी लड़ाइयाँ कर रहे थे तब उन्होंने इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स भी बनाए काफ़ी। ठीक है, उनमें से एक है बोगोर्चू। ठीक है, जो कि उनके वेरी फर्स्ट एली और ट्रस्टेड फ्रेंड बने। उसके बाद जमुका जो कि उनके ब्लड ब्रदर थे यानी कि उनके सगे भाई थे। ठीक है, और एक और रूलर थे केरेतस। ठीक है, सो रूलर ऑफ केरेतस के जो रूलर जो कि उनके फादर के ब्लड ब्रदर थे जिनका नाम था ओम खान। फादर के ब्लड ब्रदर मतलब उनके चाचा या ताया होंगे, मतलब डिपेंड करता है वो। ठीक है, मतलब उनके रिश्तेदार थे बेसिकली। सो 1890s के टाइम पे जो तेमुजिन थे उन्होंने ओम खान के साथ जो कि उनके फादर के ब्लड ब्रदर थे उनके साथ उन्होंने एक अच्छी एली बना के रखी, बट उन्होंने लड़ाई लड़ी जामुका के खिलाफ। सब बोलोगे जामुका के खिलाफ क्यों उन्होंने लड़ाई करी, बिकॉज जामुका तो उनके ब्लड ब्रदर थे, बट जो उनके पुराने दोस्त और उनके ब्लड ब्रदर थे वो बाद में जो है उनको धोखा दे के उन्होंने जो है वो बेईमानी उन्होंने करी। सो उन्होंने उसके खिलाफ भी लड़ाई करी और वो जीत गए। उनसे मतलब जीतने के बाद तेमुजिन को लगा कि यार मैं कुछ कर तो सकता हूँ यार, लाइक कुछ तो है मेरे अंदर। फिर वो और ट्राइब्स के अगेंस्ट गए और जो पावरफुल ततारास थे, ततारास वो लोग थे जिन्होंने उनके फादर को मतलब असेसिनेट करा था। ठीक है, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई करी। ठीक है, और उस टाइम पर उन्होंने जो लड़ाई करी ना वो खुद से नहीं करी, वो उन्होंने ओम खान के अंडर ही करी। ठीक है, जो नईमान पीपल थे उनकी फाइनली डेथ हो गई और जो पावरफुल जमाका थे वो भी हार गए। ठीक है, अब जब ये सब कुछ हुआ तो तेमुजिन की एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी बन गई क्योंकि उन्होंने इतने क्योंकि वो काफ़ी कम थी उनकी एज और उन्होंने फिर भी वो जीत गए। उनकी काफ़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी बन गई और लोगों ने उन्हें ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स बोलना शुरू कर दिया।
क्या बोलना शुरू कर दिया, ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स। इन्होंने किसने बोला, बेसिकली एक मंगोल की जो है वो एक असेंबली होती थी, सो उनके जो चीफटेन होते थे जिनका नाम था, जिनको किरिल्ताई बोला जाता था, उन्होंने उनको ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स बोला गया। और एक टाइटल उनको दिया चंगेज खान, जिसका मतलब था द यूनिवर्सल रूलर, ठीक है। सो उसके बाद जो है उनको चंगेज खान बोला जाता था, ठीक है। सो उनकी जो फर्स्ट कंसर्न था वो था कि वो चाइना को कॉन्क्योर करना चाहते हैं। उस टाइम भी तो चाइना था वो तीन रीम्स में या तीन पार्ट्स में हम बोल सकते डिवाइड करा हुआ था। सो उसमें से जो सी सिया है वो टिबेटिन ओरिजिन के टाइम पे था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पे। और जो जोरचन थे वो चिन डायनेस्टी, जो कि नॉर्थ की साइड पे आया करता था, ठीक है, फ्रॉम द पेकिंग। फिर संग डायनेस्टी जो कि साउथ चाइना को रूल किया करती थी, 1209 में जो जो चंगेज़ खान हैं उन्होंने सी सिया को हरा दिया, ठीक है। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी, जिसका मैंने आपको बोला कि कुछ खास यूज़ था नहीं, उन्होंने उसको पार कर लिया। और 1213 में जो पेकिंग है उसको उन्होंने अटैक करा, और 2015 में वो भी उनके अंडर आ गई, ठीक है। सो एक काफ़ी लंबी लड़ाई गई चीन के खिलाफ। बट अब ना जब उन्होंने इतना सारा जगह अपने अंडर कर ही लिया था, तो चंगेज़ खान अब सेटिस्फाई हो चुके थे चंगेज़ खान, तो वो वापस आ गए। और जो उनके कैंपेन्स थे उन्होंने उनको बोला कि मतलब वो तो वापस आ गए, उन्होंने बोला कि जो भी चाइना का जगह उन्होंने हमारे अंडर किया है उस पर जो है तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। सो ये जो कैंपेन था 1219-2021 का, यहाँ पर ग्रेट सिटीज़ बनी, जो मतलब ग्रेट सिटीज़ थी जैसे औरतार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुजरवंग, मेर, निशरपुर एंड हेरत, ये भी मंगोल फोर्सेस को सरेंडर कर दी गई थी, ये भी उनके अंडर थे, ठीक है। काफ़ी टाउन्स थे वो डिवेस्टेड कर दिए गए। सो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमें एक ऐसा चीज़ देखने को मिलता है कि एक जगह है निशापुर, वहाँ पे ना एक मंगोल प्रिंस का, मंगोल प्रिंस की डेथ हो गई, पता नहीं कैसे, बट उनकी जो है मतलब उनको मार दिया गया बेसिकली। और जब चंगेज़ खान को ये बात पता चली तो उन्होंने वो पूरे जगह पे जो है वो आग लगा दी, बर्बाद करवा दी गई वो चीज़, वो जगह। और उन्होंने ऐसा बोला कि ये जगह ऐसे बर्बाद करो कि वहाँ से कोई बिल्ली या कुत्ता भी बच के बाहर ना जा सके, ठीक है। सो यहाँ पर जो मंगोल किंग्स है ना वो बहुत ही ऐसे मतलब वायलेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही ना डिवास्टेटिंग चीज़ें करने में, मतलब बहुत ही डिवोस्टेटिंग चीज़ें वो करते थे, ठीक है। तो जब मंगोल फोर्सेस थे वो सुल्तान मोहम्मद को उन्होंने मतलब हरा दिया अजरबैजान में, और उन्होंने रशियन फोर्सेस भी हटा दी, और कैस्पियन सी उन्होंने अपने अंडर कर लिया। और वहाँ पे जो सुल्तान के बेटे थे, सुल्तान सन जलालुद्दीन, इंटो अफगानिस्तान और सिंध प्रोविंस में उनको जो बोला कि चलो तुम बैठ जाओ, ठीक है। सो इंदस की नदी में, जो इंदस के किनारे में चंगेज़ खान जो है वो मंगोलिया से वापस आ रहे थे, ठीक है। सो वो ना, अब देखो यहाँ पे देखो, अफगानिस्तान का है, यहाँ बगल में ही तो है इंडिया के। सो जब वो अफगानिस्तान पहुँच चुके थे तब वो सोच रहे थे, तब वो ना इंडिया की तरफ भी आ रहे थे, बिकॉज वो तो पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाह रहे थे। तो वो जब वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, सो उस टाइम पे जो यहाँ का मौसम था, यहाँ का नेचुरल हैबिटेट था, वो बिल्कुल भी इन लोगों को सूट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि, और उस टाइम पे चंगेज़ खान काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे, सो उन लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जो इनको इसको रहने देते, बच गया हमारा भारत, ठीक है। और 1227 में चंगेज़ खान की डेथ हो गई, ठीक है। सो उनके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थे वो अभी भी मतलब कुछ ऐसे थे कि अभी भी जो एक्सट्रीम पावर है, मतलब चंगेज़ खान की तो डेथ हो गई बट उनकी जो मिलिट्री थी, उनकी मिलिट्री की जो स्ट्रेटजी थी वो अभी भी माशाअल्लाह ही थी। चाहे जो हो गया हो, चाहे उनकी डेथ हो गई हो, बट स्टिल उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो हॉर्स राइडिंग स्किल है, और जो उनकी जो स्पीड है, जो मोबिलिटी है आर्मी की, वो अभी भी इतनी अच्छी क्वालिटी थी। वो इतनी रैपिड शूटिंग आर्चर्स वो लोग थे, ठीक है। जो स्टेप कैवेलरी थी उधर, मतलब लाइट की तरह जो है ये लोग ट्रैवल किया करते थे, और बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें होने लग गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और ना ये इतने एक्टिव हुआ करते थे ना, ये उस टाइम पे भी अटैक कर दिया करते थे जब लोगों को लगता था कि अब तो अटैक हो ही नहीं सकता, जब लोग बिल्कुल भी मतलब अनइमेजिनेबल टाइम होता था वो तब भी अटैक करते थे। जैसे ऐसी ठंड हुआ करती थी जहाँ पे नदियाँ बह रही, नदियाँ जम जाती थी, वो उन्हीं नदियों के थ्रू जो है वो एनिमीज में जाके, कैंप्स में जाके जो है अटैक किया करते थे, ठीक है। सो
उसी तरीके से बाद में जो चंगेज़ खान के जो जो भी इनकी साइंटिस्ट बोल सकते हो आप या फिर आप बोल सकते हो जो इंजीनियर्स थे, ये ना बहुत ही मतलब हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे जिनको लेके जो है ये मतलब बहुत ही दूर दूर तक जा सके और डिवेस्टेटिंग इफेक्ट पड़े। ठीक है, अब चंगेज़ खान के बाद जो है मंगोल्स का वो क्या हुआ। देखो चंगेज़ खान की डेथ के बाद जो मंगोल का एक्सपेंशन है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू फेजेस पे, जो कि एक है 1236 से 1242 का टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये जो मेजर गेंस थे ना उस टाइम पे रशियन स्टेट्स के वो बढ़ चुके थे बल्गर और कीव, जैसे मतलब रशिया हो गया, बल्गर, कीव, पोलैंड, हंगरी, ये सारे जो उन्होंने अपने अंडर कर लिए। और सेकेंड फेज है 1255 का 300 से लेके जब उन्होंने चाइन पूरा का पूरा चाइना, ईरान, इराक और सीरिया अपने अंडर कर लिया। ठीक है, सो जब मंगोल की मिलिट्री फोर्सेस थी ना उनको मतलब वो सारे रिवर्सल्स करते आ रही थी डिकेड्स तक 1203 तक, बट नोटिसिबली जो 1260 का टाइम था ना तब जो कैंपेन है वो इतना सस्टेन नहीं रहा वेस्ट में, तब जो है मंगोल थोड़ी मतलब अब उसमें स्टेबल नहीं रहे। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस वहाँ पे हमें देखने को मिले, और इसके पीछे का जो दो रीज़न ये है कि मतलब उनकी डेथ के बाद, ये चंगेज़ खान की डेथ के बाद ना अंदर इनका अलग ही पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गया था फैमिली फैमिली के अंडर कि कौन चीज़ किसको मिलेगी। सो उस टाइम पे ना ये अपना अंडर का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था बाहर की दुनिया से। ठीक है, सेकेंड कंपल्शन ये था कि जो जोची थे और जो अगोदी थे, ठीक है, वो तुलंत ब्रांच के थे और गेंदी मतलब चंगेज़ खानित के डिसेंडेंट के। ठीक है, और जो एक्सेशन थे मंगे के वो डिसेंट थे तोलू के। ठीक है, सो ये मतलब जो कि चंगेज़ खान के सबसे यंगेस्ट सन थे। सो ये ना दो ऐसी फैमिलीज थी जिसकी वजह से, बिकॉज ये दो ऐसे सक्सेसर बन चुके थे। ठीक है, सो जो है ये आपस में भी इनकी वजह से जो वो कन्फ्लिक्ट होने लग गई थी। ठीक है, सो वैसे ही जो तोलू ये थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे चाइना के कॉन्क्वेस्ट में, चाइना को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, बट कहीं ना वो इजिप्ट के साथ भी उन्होंने लड़ाई पीछे से छेड़ दी थी, बट जो सारे लोग हैं वो चाइना में ही चले गए थे, तो इजिप्ट की मिलिट्री इजिप्ट से लड़ाई करने के लिए जो चीज़ें वो इक्वल नहीं थी। अब हम देख लेते हैं सोशल पॉलिटिकली और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुआ करती थी। ठीक है, मंगोल्स में जो भी नोमैडिक सोसाइटीज़ थी वो भी काफ़ी मतलब एबल बॉडीज को वो आर्मी में रखा करते थे, मैक्सिमम उसमें मेल्स हुआ करते थे। ठीक है, और ना यूनिफिकेशन हो रहा था, मतलब सभी जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है वो सारे जो है साथ में मिलके काम कर रहे थे। जो चंगेज़ खान थे उनकी आर्मी ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग थी बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि जो स्मॉल और अनडिफरेंट बॉडी जो है उस टाइम पे बना दी गई थी, मतलब जब चंगेज़ खान अभी आए ही थे, तो चंगेज़ खान ने ये सारी चीज़ों को हटाने का उन्होंने काफ़ी कोशिश करा कि ये सारी चीज़ें नहीं इतनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे ना डेसिमल सिस्टम चलता था कि उसमें 10,000, 100,000 और 10,000 शोल्डर्स को ऐसे डिवाइड करा हुआ था, बट चंगेज़ खान ने ये प्रैक्टिस को रोक दिया। उन्होंने बोला कि ये क्या है ये। ठीक है, सो जो ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग है और उन्होंने अपने मेंबर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने नई नई मिलिट्री यूनिट्स उन्होंने बना दी, जैसे 4 उन्होंने मिलिट्री यूनिट्स बना दी थी और उसमें जो है 10,000 सोल्जर्स आते थे, और वो जो है ये 4 के 4 मतलब जितने भी ये हुआ करते थे ये चंगेज़ खान के जो बेटे हैं उनके अंडर ये आया करता था। ठीक है, जो उनके बेटे हैं वो इनके ऊपर जो है वो ध्यान रखा किया करते थे। ठीक है, सो जो चंगेज़ खान थे ना वो लॉयलिटी पे बहुत बिलीव करते थे, मतलब जो लोग उनके लिए लॉयल थे ना वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया करते थे। ठीक है, जो चंगेज़ खान थे वो जो लोग उनको लॉयल लगते थे ना वो उनको पब्लिकली अपना ब्लड ब्रदर बना दिया करते थे, मतलब उनको ऐसा बोलते थे कि जो उनके लिए लॉयल है वो उनको अपने ब्लड ब्रदर की तरह ट्रीट करते थे अंदाज, और कुछ लोगों को नौकर की तरह ट्रीट किया करते थे। ठीक है, ये जो नई हायरार्की थी, तो जो चंगेज़ खान थे उन्होंने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने चारों बेटों में डिवाइड कर दी, जिसमें 4 उलूज वो लोग हुआ करते थे। ठीक है, और इनकी जो टेरिटरी है ना वो फिक्स नहीं हुआ करती थी, बिकॉज अगर उनके फादर और ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो वो उनके अंदर आ जाया करता था। तो जो चंगेज़ खान थे उन्होंने ना अपनी डेथ से पहले बता दिया था कि मेरे मरने के बाद जो ओगोदी है वो उनके बाद जो है वो बैठेंगे और उनको ग्रेट खान का जो है वो टाइटल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उनके जो बेटे होंगे वो सब कुछ ऐसा वो काराकोरम में, वो मतलब जो उनकी कैपिटल है काराकोरम वहाँ पे जो है ये लोग ऐसे बैठा करेंगे। ठीक है, जो यंगेस्ट सन थे तोलुए
वो मंगोलिया की जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो उनको मिल गई। ठीक है, जो चंगेज़ खां हैं वो मतलब अपने बेटों को, मतलब वो ये चाह रहे थे कि उनके जो बेटे हैं ना वो कलेक्टिवली काम करें, वो मिलके काम किया करें। ठीक है, सो जो मिलिट्री कॉन्टीजेंट्स है, मतलब आप ऐसे मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उलूस से मतलब जो जो लैंड वो जो लैंड चंगेज़ खान जीते थे वो उन्होंने भी चार बेटों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। सो वो जो चार मतलब बोलूँ मैं जगह है या फिर जो वो लैंड है ना उसके अंदर ना बहुत सारे मंत्री थे। तो ऐसा हुआ करता था एक मंत्री हर एक ग्रुप का, हर एक ग्रुप में हुआ करता था। जैसे यहाँ का एक मंत्री इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर का भी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऐसे जो इन्होंने डिवाइड कर दिया ताकि आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहे और बिल्कुल ही मतलब ये लोग जो है अलग अलग ना हो जाए। ठीक है, ये डिसीजन और मतलब ना वो अपनी फैमिली के डिसीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जो ट्री की हम अभी बात कर रहे थे कि एक हमारे पास मैंगो डायनेस्टी ये है और एक जो है वो यहाँ पर हमारे पास ऊपर की तरफ को जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो तोलुई है और जो अरिक ब्रोक है ये जो है आपस में लड़ाई कर लिया करते थे कभी कभी। ठीक है, जो चंगेज़ खान थे उन्होंने एक मतलब एक रैपिड कुरियर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। सो अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती थी, चेंज हो जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जो मंगोल के नोमाड्स थे ना वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते थे बिकॉज उनको पता चल गया था कि ये जो कुरियर सिस्टम है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है तो। ठीक है, तो अब वो क्या करते थे, उनके जो भी जानवर है ना उसका 1/10 वो दिया करते थे। अब एक बात याद रखना, ये जो है ना ये खुद नहीं लेते थे, ये अपनी मतलब जो राजा है वो खुद नहीं लेते थे, ये जो नोमैड्स थे ये अपनी इच्छा से दिया करते थे। ठीक है, और इसको जो है वो कपकुल टैक्स बोला जाता था। जो कुरियर सिस्टम है यानी कि यम, वो बाद में जब चंगेज़ खान की डेथ हो गई थी उसके बाद उसको फिर से रिफाइन और काफ़ी अच्छा उसको कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो ग्रेट खान है वो सारे डेवलपमेंट में जहाँ जहाँ भी उनके पास जगह है मतलब एंड एंड तक वहाँ का जो है वो डेवलपमेंट में एक चेक जो है वो अच्छे से रख पाते थे। ठीक है, जब फर्स्ट हाफ सेंचुरी का कैंपेन चल रहा था 13th century में, ठीक है, जब फर्स्ट हाफ टाइम हो रहा था उस टाइम पे सिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, एग्रीकल्चर लैंड्स वो वेस्ट हो रही थी, ट्रेड हैंडीक्राफ्ट ये सब कुछ ना डिस्टर्ब किए कर रहे थे, ये सारे लोग सब कुछ बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, एक बार ये जो कैंपेन सेटल हो गई तो यूरोप चाइना की जो टेरिटरी है उनको लिंक कर दिया गया। ठीक है, सो ट्रेड जो है वो ट्रेड कनेक्शन मैच्योर कर दी गई, कॉमर्स और ट्रेवल सिल्क रूट के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको अटैच कर दिया गया था। ठीक है, बट पहले की तरह जो ट्रेड रूट्स थे ना वो चाइना को जो है वो टर्मिनेट नहीं किया करते थे। सो 1230s में जैसे एग्जांपल की अगर हम देखें तो मंगोल्स थे वो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी चिन डायनेस्टी के खिलाफ और वो जीत गए। ठीक है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर था मंगोल लीडरशिप का उन पीजेंसी के ऊपर और उन पेस्टल लैंड के ऊपर भी। ठीक है, जो चंगेज़ खान के ग्रैंडसन थे कुबलई खान, उन्होंने बोला पीजेंट्स को कि तुम बस हमारे लिए थोड़ा सा काम करो और हम बदले में तुम्हें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो मंगोल रूलर थे ईरान के यानी कि गजन खान, जो कि चंगेज़ खान के डिसेंडेंट ही थे। ठीक है, चंगेज़ खान के जो यंगेस्ट सन थे तोलुए, उनके वो डिसेंडेंट थे। सो उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को बोला कि ठीक है, हमने जितना ये पीजेंट्स को तंग करना था हो गया, अब इससे ज़्यादा इनको जो है तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो चंगेज़ खान का जो रेन था मतलब जब जिस टाइम चंगेज़ खान राज कर रहे थे उस टाइम पे मंगोल्स ने काफ़ी मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे उनको रिक्रूट कर दिया था। ठीक है, जब मंगोल खान थे ना वो ट्रस्ट किया करते थे लोगों से, तो जब तक वो रेवेन्यू रेज कर रहे थे तो उनके जो मास्टर्स थे और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कोई भी उन पर मतलब ऐसे मतलब वो कमांड करते थे कि उनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, जो प्रेशर था सेडेंटरीज का वो बढ़ता ही जा रहा था मंगोल डोमिसाइल के अंडर। सो इस टाइम पे जो ओरिजिनल स्टेप हैबिटेट था नोमेड्स का उसमें थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एरियाज भी जो है वो चेंज हो गया था। ठीक है, सो 13th century के मिडल में एक कॉमन पैट्रीमनी का जो सेंस है वो लोगों के बीच में शेयर हो गया। ठीक है, सो मतलब भाइयों के बीच में। सो ग्रेजुअली जो इंडिविजुअल डायनेस्टिक रूल है वो सेपरेट उलूस के टाइम पे जो था
उन्होंने जो है एक मतलब एक टेरिटोरियल डोमिनियन का जो उन्होंने सेंस अपने अंडर जो है वो बना लिया, ठीक है। जो डिसेंडेंट थे जोशी के, उन्होंने गोल्डन होर्ड बनाया और रशियन स्टेप्स को में जो मतलब उन्होंने राज किया। फिर जो छतरगाइस के सक्सेसर थे वो त्रांसोक्सानिया के स्टेम्स के जो स्टेप्स थे वहाँ पर रूल किया करते थे, और जो आज तुर्केनी तुर्किस्तान है वहाँ पर जो है वो राज किया करते थे, ठीक है। सो इतना लार्ज एक्सटेंट था। सो ये जो कॉन्सिक्वेंस थे कि कंट्रोल चाइना और ईरान के अंडर होगा, ये फैमिली मतलब फैमिली मेंबर भी वहाँ पर जो है वो रिक्रूट किए जा सकते थे, ठीक है। सो ये जो एक्सरसाइज था इसकी वजह से चंगेज खान खुद तो इसमें मतलब एक्सक्लूड नहीं होते थे और वो बाकी लोगों को भी बोलते थे, ठीक है। सो जैसे पर्शियन जो क्रॉनिकल्स है वो बताते हैं कि जो एल खादिद ईरान है वो लेट 13वीं सेंचुरी में उन्होंने ग्रेट खान को मतलब उनकी गोरी को हटाने की मारने की उन्होंने कोशिश करी थी, बट बदले में इतना अटैक हुआ कि काफ़ी लोग जो उसमें मारे गए थे और काफ़ी लोग जो है बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे, ठीक है। सो अगर हमें ये जो भी चेंजेस है ना कहीं अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज समय के साथ साथ जो है सारी चीज़ें होती ही हैं। सो मंगोल जो है वो लोगों को यूनिफाई कर रहा था ताकि लार्ज एम्पायर जो है वो देखा जा सके। ऑल्दो जो मंगोल से उनका रीजन पॉलिटिकली और न्यूमेरिकली जो मनॉरिटी पे था, ठीक है, देवर न्यूमेरिकल मनॉरिटी। जो यासा थे वो प्रोबेबली कंप्लाइंट मतलब कंप्रिएशन कर रहे थे सारे कस्टमरी ट्रेडिशन का, और जो मंगोल ट्राइब्स है वो रेफर कर रहा था गेंगिस खान के कोड ऑफ लॉ को, ठीक है। अब एक बेसिक कंक्लूजन यहाँ पर आ गया है कि जो मंगोल थे वो चंगेज खान के अंदर जो उन्होंने मतलब बहुत ही बड़े वो लीडर्स थे, वो उन्होंने पूरे मंगोल पीपल को साथ में जोड़ा, यूनाइट करा, उनको प्रॉस्पेरिटी लाई और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है लाई। उसके बाद मार्को पोलो जैसे जो बड़े बड़े ट्रैवलर्स थे उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लाई, ऐसे ऐसे मार्के बढ़ाए जिसकी वजह से ये लोग जो है अट्रैक्ट हुए, ठीक है। सो देखो ना, हमने अभी तक जितना भी बड़ा किंगडम में जिन किंगडम में ना का जो राजा होता था ना, जैसे हमने देखा कि जो है पहले राजा जो है वो चाह रहे थे कि पूरा मुस्लिम धर्म ही आ जाए, पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा, या पूरा क्रिश्चियनिटी हो जाए, बट इधर ऐसा नहीं था। इधर शमम बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ये सारे थे, धीरे धीरे इस्लाम भी आए, बट कभी भी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हर जगह मुस्लिम ही हो जाए या हर जगह जो है वो क्रिश्चियन ही हो जाए। सभी मिल जुल के जो रहा करते थे, ठीक है। जो मुगल एम्पायर था वो एवेंचुअली फैल गया, ठीक है। जो फाउंडर्स थे उनका पावरफुल फोर्स बट भी रह गया था, ठीक है, कि सभी को अभी भी चंगेज खान याद थे। 14वीं सेंचुरी में तैमूर आए जिन्होंने मोनार्क को एस्पायर करा, ठीक है, और उन्होंने हेसिटेट करा, बट ना वो ना खुद को भी मतलब वो खुद को दिखाना चाह रहे थे कि वो जो है वो यूनिवर्सल डोमिनेंट करेगा, मतलब यूनिवर्सली वो राज करेंगे, बट उनको डर था बिकॉज कि क्योंकि वो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट नहीं थे और उनको लग रहा था कि हाँ कुछ हो ना जाए। सो आज के टाइम पे जो कंट्री है मंगोलिया वो सोवियत कंट्रोल के अंडर है और वो खुद को अभी जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के उसमें काम कर रही है, ठीक है। सो जो मंगोल की पीपल की नज़र में हम देखें तो जो चंगेज़ खान थे वो अभी भी अपनी हिस्ट्री में बहुत ही प्राइड के लिए उनको पढ़ाते हैं, प्राइड के बारे में जो बहुत ही वो गर्व फील करते हैं उनके लिए, ठीक है। सो क्योंकि वो थे ही इतने ग्रेट लीडर, सो वैसे ही उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो लोगों के दिमाग में और दिल में और दिमाग में बिठाई जा रही है ताकि अपकमिंग फ्यूचर में जो है वो काम आए, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर। जैसे मैंने बोला था चैप्टर वॉज इंटरेस्टिंग, सो यस आई होप यू लाइक इट एंड यस थैंक यू वेरी मच।